वेलकम गाइज, चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई से संबंधित बहुत सारी हलचलें आजकल चल रही हैं। सबसे पहली जो हलचल थी वो थी हमारी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, और उसके बाद अब हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडमिट कार्ड की इश्यू क्या है, वो भी डिटेल में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं जो बातें बताया हूँ आपको यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो मैंने डिस्कस करा है। ओके, तो जो फेक एडमिट कार्ड का जो र्यूमर था या फिर एडमिट कार्ड लीक किए जा रहे हैं, ठीक है, इससे मैं संबंधित आपको बता रहा हूँ कि जो एडमिट कार्ड था वो लीक नहीं हुआ था। ठीक है, एडमिट कार्ड लीक नहीं हुआ था, ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जब वेबसाइट की ऑनलाइन टेस्टिंग चलती है, ऑनलाइन टेस्टिंग में आपको बता दूं क्या होता है कि जब एडमिट कार्ड को सर्वर में अपडेट किया जाता है, जैसे उसका सेंटर हो गया और डेट हो गया, जब ये सब करने के बाद लोग उसको लाइव आकर के चेक करते हैं कि क्या लिंक जो है सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, तो जब वो चेक कर रहे होंगे उसी बीच में कुछ लोगों ने एडमिट कार्ड पुराने लिंक से एक बार ट्राई किया होगा, क्योंकि ये बात तो पहले से तय थी कि एग्ज़ाम 12 से 22 के बीच में होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया और कुछ लोगों ने पुराने लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश की और सक्सेसफुल भी रहे। ठीक है, कुछ लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, तो वो एडमिट कार्ड फेक नहीं है या फिर वो एडमिट कार्ड लीक नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए अब इसके लिए परेशान मत होइए। स्पेशल टास्क फोर्स ने क्या बताया था, स्टेटमेंट दिया था कि जितने एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं, लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो 100% फेक है। तो इस बात को सुन करके मुझे बहुत हंसी आती है, वो इसलिए क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स से हम ऐसी बातें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एडिटिंग करना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि जितने भी एडमिट कार्ड थे बहुत ही, अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो किसी तरह से उसमें एडिटिंग नज़र नहीं आती है। एक आदमी हो या 10 आदमी हो तो चलो चलता है कि वो मस्ती करने के लिए उन्होंने एडिटिंग कर ली होगी, पर जहाँ ढेर सारे लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं तो ये कहना गलत होगा कि वो फेक था। लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, एसटीएफ इसको एक्सेप्ट नहीं की और वो इसे फेक बताती है। इससे बस एक सवाल खड़ा होता है कि एसटीएफ कितनी कैपेबल है अपने कामों को करने में, इससे यही पता चल जाता है। ठीक है, जितने भी लोग जो उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, लीक हुआ था, ठीक है, उसमें कितने लोग पकड़े गए, उनका क्या हुआ, कितने साल की सज़ा मिली, वो लोग कौन थे, किस जेल में बंद है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन शायद एसटीएफ के पास नहीं है। अगर है तो उसे कैंडिडेट को बताना चाहिए, ताकि ये चीज़ें न्यूज में आनी चाहिए बहुत डिटेल में, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसका अंजाम क्या होता है। पर ये सारी चीज़ें बहुत ही माइन्यूट सी मानी जाती हैं, इसको डिस्प्ले नहीं कराया जाता है, बताया नहीं जाता है, और फिर से वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। उन्हें जो सज़ा मिलती है, क्या वो छूटते हैं, क्या वो 6 महीने में या 1 साल में छूट जाते हैं, क्या गारंटी है कि वो अगर 5 साल की सज़ा हुई है तो उन्हें सज़ा पूरी निभाते हैं। तो ये चीज़ें एसटीएफ का काम है, एसटीएफ सीधे उसको इस फेक बता दे रही है, इसे पता चलता है कि वो कितने कैपेबल हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि रिट डाली गई थी, अभी 6 तारीख में रिट डाली गई है, इन्हीं सब चीज़ों को पॉइंट में ले करके। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिट में कुछ वीक पॉइंट ये हैं कि अगर आप एडमिट कार्ड की इश्यू को लेते हैं अपने रिट में, तो ये बहुत ही वीक पॉइंट होगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी NSEIT है कंपनी, वो सिंपली ये कह देगी कि हम टेस्टिंग कर रहे थे और उस बीच अगर किसी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो उसमें गलती कोई नहीं है, कोई लीक वीक नहीं हुआ है। और ये हकीकत भी है, कोई लीक नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए लीक हुआ भी है, ठीक है ना, लीक हुआ भी है, तो उसमें सिर्फ एक पॉइंट ये बन सकता है कि जो टेस्टिंग थी वो 2-3 दिन तक चलती रही,
मतलब जो लिंक था वो एक्टिव था 2-3 दिन तक, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बनता है। टेस्टिंग 1 से 2 घंटे के बीच में आप फिनिश कर सकते हैं, उसको ओपन करना 2 से 3 दिन तक के लिए, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कितने मतलब कि इस तरह से वर्क करते हैं, बहुत ही लूज, बहुत ही साधारण तरीके से वर्क कर रहे हैं, कि इतना लेजी होकर के काम कर रहे हैं कि वो 2-3 दिन तक उसकी टेस्टिंग करते रहें और उस लिंक को लाइव रखें, पुराने लिंक को। ठीक है, ओके, कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रांग पॉइंट कौन कौन से हैं, वो है सेंटर एलोकेशन। ठीक है, सेंटर एलोकेशन का अगर मुद्दा उठाएंगे तो ये बेटर होगा। हालांकि जो है UPPRPV या जो कंपनी है वो ये कह के टाल सकती है कि पहले देखिए हमारे 21 to 22 सिटीज़ में हमने एग्ज़ाम कराए थे, अब मैं उसको 15 सिटी में एग्ज़ाम करवा रहा हूँ और 6 सिटी में एग्ज़ाम करवा रहा हूँ, तो इससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि सेंटर किस कंडीशन में है और कहाँ पर हम सेंटर अलॉट कर रहे हैं। मान लीजिए लखनऊ की हम बात कर लें, तो लखनऊ में भी अगर सेंटर, देखो लखनऊ राजधानी क्षेत्र है, पर आउट एरिया में अगर आप सेंटर भेज दे रहे हैं या फिर ऐसे एरिया में सेंटर भेज रहे हैं, या वो सेंटर ऐसा है जहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पर कोई लीक नहीं होगा एग्ज़ाम, या फिर वहाँ पर कोई लूप होल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेंटर एलोकेशन में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों को जो सेंटर है वो अच्छी जगह पर नहीं है, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है टेंडर। जो टेंडर हमारा पिछले वाला था, पिछली कंपनी जो एग्ज़ाम कराई है, सेम कंपनी इस बार भी एग्ज़ाम कराई है, करा रही है, तो बात ये पड़ती है कि जब एक बार उसने एग्ज़ाम करवाने में असफल रहा वही कंपनी, उसके बाद दोबारा से वही कंपनी एग्ज़ाम करवा रही है। ठीक है, इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आखिर क्यों जो है वही कंपनी बार बार चुनी जा रही है एग्ज़ाम कराने के लिए, जबकि वो लीक हो चुकी है उससे। नेक्स्ट हमारी बात आती है अनरिस्पॉन्सिव वेबसाइट। देखिए एग्ज़ाम जो करवा रहे हैं वो 6 दिन का ही गैप मिला है, 6 डे 6 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हुए और 12 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। देखिए जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, मान लीजिए सेंटर उनका लखनऊ में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे बंदे लखनऊ में ही बिलोंग कर रहे होंगे या रह रहे होंगे। कुछ लोग मुंबई में भी होंगे, कुछ लोग दिल्ली में भी होंगे। ठीक है, तो उनको आने में या चीज़ों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। 6 डेज का आपने टाइम दे दिया, पर वेबसाइट इतनी ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव है कि वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी है। चलिए ठीक है, अगर बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं और इतना ज़्यादा उस पर ट्रैफिक है, ठीक है, कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो बात ये पड़ती है कि क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी कि आप 6 डेज दोगे और 7 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो 1 से 2 बार कम से कम एडमिट कार्ड के लिए वो चेक करते हैं। तो अगर आप देखा जाए कि 14 लाख टाइम या उससे भी ज़्यादा टाइम लोग 6 दिन के अंदर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, ये बात कंपनी को सोचनी चाहिए थी, जो कि कंपनी बहुत ही लापरवाही बरती। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड जो है, ये तीनों फील्ड हैं। अब किसी एक फील्ड को आप फिल करके आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, चाहे आप दोनों ब्लैंक ही क्यों ना रखे हों, या तीनों आपने फिल कर दिया, गलत ही फिल कर दिया है, तो सीधे एक पॉपअप विंडो खुल के आती है, उसमें लिखा रहता है कि डाउनलोड सक्सेसफुल। ये बताओ, ये लगता है किसी इनएक्सपीरियंस पर्सन ने इस वेबसाइट को डिजाइन किया, क्योंकि वेबसाइट बटन पे क्लिक करते ही वो डाउनलोड सक्सेसफुल बता रहा है, पर वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है, तो काहे का सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल तो तब होना चाहिए ना जब वो एडमिट कार्ड जनरेट हो रहा है, जनरेट होने पर वो सक्सेसफुल दिखाना चाहिए, पर वो हर बार सक्सेसफुल दिखा रहा है एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर कंपनी ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बस जल्दीबाजी में एडमिट कार्ड के लिए एक साइट डिजाइन कर दी और इतने सारे फॉल्ट देखने को मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात हम डिस्कस करते हैं आपसे कि जो रिट डाली गई है, ठीक है ना, वो कितनी मजबूत है। मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसमें मजबूती नहीं मिल पाएगी, क्योंकि
मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं या फिर और भी जितने भी पॉइंट्स हैं उसको लेकर के एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना बहुत ही कम नज़र आती है, बहुत ही लेस नज़र आती है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो अब आप कर क्या सकते हो? मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल अगर नहीं भी होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप कर क्या सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, जिस भी सेंटर पर आपका एग्ज़ाम हो, या अभी से ही आप बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहो, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट इन द सेंस कि अगर आपको कुछ भी सस्पिशियस नज़र आता है, कुछ भी आपको संदिग्ध नज़र आता है, कुछ लोग फेसबुक हो गया या किसी अन्य ग्रुप पर कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, कि कांटेक्ट करें इस सेंटर से या उस सेंटर से, तो आप इन सभी लोगों पर बहुत ही सतर्क रहे इन सब लोगों से, क्योंकि ऐसे ही चीज़ों को बनाया जाता है, ऐसे ही मैनेज किया जाता है कि किस तरह से हम कैंडिडेट को इकट्ठा कर सकें जो चीटिंग के लिए है। तो आप बहुत ही अलर्ट रहेंगे, अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक एग्ज़ाम सेंटर के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। सबसे पहली चीज़ कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अगर आपको कुछ भी इलीगल एक्टिविटी नज़र आती है, कुछ भी संदिग्ध आपको लगता है, या किसी को आपको लगता है कोई एक कैंडिडेट है या कुछ ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिन पे ऊपर स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है, जो इन्विजिलेटर हैं या उनके आसपास मंडरा रहे हैं या उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप सभी लोग यूनाइट होंगे, ग्रुप बनाएंगे और उसका अपोज करेंगे, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए उन पर दबाव बनाएंगे ऑन द स्पॉट। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो एग्ज़ाम टाइम के अंदर ही आप उनसे बोलेंगे, अदरवाइज अगर छोटी है तो एग्ज़ाम जैसे ही आपका ख़त्म होता है तुरंत सभी लोग आप ग्रुप बना लेंगे और उसका तुरंत अपोज करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जिस जिस बंदे पर आपको संदेह नज़र आता है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका रोल नंबर आप नोट कर लेंगे। नोट करके आप रखेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि उनका रिजल्ट किस तरह का आ रहा है, कितने मार्क्स पा रहे हैं, उनकी एक्टिविटी जो भी है उसी से पता चल जाएगी कि उन नकल हुई थी या नहीं हुई थी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आपको कोई सर्वर इश्यू आता है एग्ज़ाम देते टाइम, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं कंप्यूटर में, या पावर कट हो जा रही है बार बार, कोई क्वेश्चन लोड नहीं हो रहा है या आधा अधूरा क्वेश्चन है, उन सभी का आप क्या करेंगे कि जो सेंटर का मैनेजर है और UPPRPB के जो ऑफिशियल वहाँ पर होते हैं उनसे तुरंत एक रिटन फॉर्म में सभी लोग ग्रुप बना करके कंप्लेन करेंगे, एक पेपर में कंप्लेन करेंगे, सभी कैंडिडेट के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आप फिल करेंगे, सभी का सिग्नेचर लेंगे और यहाँ का जो सेंटर मैनेजर है उसका मोहर और UPPRPB के हस्ताक्षर वहाँ पर लेंगे और अपनी कंप्लेन को दर्ज कराएंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, उसके बाद इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जब तक आपको ये रिटन फॉर्म में कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं की जाती है तब तक आप सेंटर को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है या पर आपको कुछ लोग संदिग्ध लग रहे हैं उसके लिए आप क्या करें कि हमारे फेसबुक पेज है UP SSC अड्डा, ये फेसबुक पेज है हमारा, इसको आप लाइक कर लीजिए। हमारे UP SSC अड्डा नाम से ही एक ग्रुप है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी किसी के भी सेंटर पर या आज से लेकर के एग्ज़ाम तक के बीच में कोई भी अगर ऐसी बातें होती हैं तो आप तुरंत इस पेज पर इन्फॉर्म करेंगे ताकि सभी लोग जागरूक हो, सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यूनाइट रहना बहुत ज़रूरी है और हर एक एक्टिविटी में आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम सफल बनाना। देखिए एग्ज़ाम में नकल कहाँ होती है, सेंटर पर ही नकल होती है, और सेंटर पर सभी नकलची ही नहीं भरे होते हैं, उसमें 2, 4 या 10, 15 इस तरह से ग्रुप में नकल करने वाले भरे होते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप अलर्ट हैं तो उन संदिग्धों को आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और उस पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपने एग्ज़ाम सेंटर पे आप बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहें और आज से लेकर के आने वाले एग्ज़ाम डेट तक भी आप अलर्ट रहें। कोई भी इस तरह की न्यूज़ फैला रहा है कॉन्टेक्ट करने वाली, उससे आप बहुत सतर्क रहें, उनके बारे में आप डिटेल
डिस्कस करें कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लोग कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप बहुत ही शांत रहें और अपनी प्रिपरेशन जोरों से करते रहें, क्योंकि यही आपका भविष्य बनाएंगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके गाइस, मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। आपसे यही कहना चाहूँगा कि चीज़ों को आप सही से मैनेज करें, अलर्ट रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। साथ ही आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो।